वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली मॉम्स किचन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल के पकोड़े। सो गाइस, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको शाम को इवनिंग स्नैक्स की तरह ले सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कुरकुरे, देखिए कितने कुरकुरे हैं, आप इसे चटनी के साथ ले सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। मैंने यहाँ पे चने की दाल के पकौड़े बनाने के लिए 2 कटोरी चने की दाल ले ली है और मैंने इसको भिगा दिया था आधे घंटे के लिए गुनगुने पानी में। तो देखिए फूल के ऐसे हो गई है। तो चलिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं पीसेंगे, दरदरा पीस लेंगे। इसमें हम अदरक के टुकड़े डाल देंगे थोड़े से और 10-12 कलियाँ लहसुन की डाल देंगे स्वाद के अनुसार, अगर आपको चाहिए तो डाल दें वरना स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 4 हरी मिर्च डाल देंगे, आप देख लीजिए अपने स्पाइसी के हिसाब से कि आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है या नहीं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने दरदरा पीस लिया है, देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े दाने रहने चाहिए ताकि थोड़ा कुरकुरे पन हो उसमें। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़े से प्याज भी डाल दिए कटे हुए बारीक, ये आपकी मर्जी है आप डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको हम तो चलिए यहाँ पे रेडी है। मैंने पहले से ही ऑयल गरम करने के लिए रखा था तो ऑयल रेडी हो गया। चलो इनको फ्राई करते हैं, चलिए फ्राई करते हैं इसको। पकोड़े रेडी है बनके, अब इनको हम सर्व कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पकोड़े बनके रेडी हैं तो देख सकते हैं आप, और इसको आप सर्दियों में मजा लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े का। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो ऐसी अगली वीडियो में मैं आपको मिलूँगी, टिल देन बाय बाय।